यहाँ पर हम नाइन्थ की क्लास जो है आज पहली शुरू कर रहे हैं। उस पहली एक्सरसाइज में हम वन से लेकर के और वन ए से वन डी के बीच की एक्सरसाइज को छोड़ करके वन डी से करणी से शुरू कर रहे हैं। और करणी में से सबसे पहला जो सवाल है वो है शुद्ध करणी के रूप में लिखना है। करणी माने हमें अंडर रूट यानी कि जो आपके सामने करणी दिख रही है, जैसे अंडर रूट है यानी कि वो करणी है, घन के रूप घनमूल के रूप में है इन करणी है, इस प्रकार से इन करणियों के अंदर ले जाना है पूरी पूरी संख्या को। जैसे कि हमने पहला नंबर लिया कि 2/3 करणी 40, यानी कि इसकी करणी कितनी है, इसकी करणी 2 है, क्योंकि 2 करणी छिपी होती है और 2 के बाद जितनी भी करणी होगी वो करणी लिखी जाएगी। तो यहाँ पर करणी है 2, यानी इस संख्या के जब जोड़े बनाए गए होंगे तो 2-2 के जोड़े बनाए गए होंगे, कितने कितने के, 2-2 के, 2-2 के जोड़े बनाए गए होंगे। तो इस संख्या को हमें पुनः ले जाना है करणी के अंदर, तो बराबर हो जाएगा करणी 2/3 की घात 2, क्योंकि 2-2 के जोड़े बने हैं तो 2 घात आ जाएगी, तो 2/3 की घात 2 इंटू 40 बराबर आ जाएगा 2×4 3×9 इंटू 40 बराबर 4×16 160/9। ये हमारी शुद्ध करणी के रूप में लिख गया। इसी प्रकार से हमें सेकेंड नंबर सॉल्व करना है। सेकेंड नंबर में लिखा है 3/4 करणी 96। जब हम 3/4 को करणी के अंदर ले जाएंगे तो करणी 3/4 की घात 2 इंटू 96, तो 3 का वर्ग 3×9, 4 का वर्ग 4×16 इंटू 96। अगर इसमें से कुछ कट रहा है तो इसको काट सकते हैं, जैसे 16 बजाय 16×96, 16 एक 16, 16×96, 9×4 36, 9×6 54, यानी करणी के अंदर आ गया 54। तो ये शुद्ध करणी आ गई हमारी 54। इसी प्रकार से तीसरा नंबर 3×3 2, तो यहाँ पर करणी है 3, अभी तक जोड़े बन रहे थे 2 होगी, चूंकि करणी थी 2, अब आई करणी 3, तो यहाँ पर 3 के जोड़े बन करके 3 बार आया है। इसको जब अंदर ले जाएंगे तो करणी 3 3×3 × 2 बराबर आ जाएगा करणी 3 3×9 किया 27 × 2 बराबर 27×54। ये हमारी शुद्ध करणी आ गई 54। चौथा नंबर 5/2, 5 को अंदर ले जाएंगे करणी में तो 5×2 × 2 तो 25×2 बराबर 50। ये हमारी शुद्ध करणी के रूप में लिख दिया। इस प्रकार से हमें शुद्ध करणी के रूप में बनाना है, जैसे पहले सवाल को बनाया उसी प्रकार से अगले सवाल को देखते हैं। फर्स्ट नंबर, इसको भी पहले सवाल के तरीके से हमें शुद्ध करणी के रूप में ले जाना है। 2/3 करणी 32, जब 2/3 को अंदर ले जाएंगे तो करणी 2/3 की घात 2 × 32 बराबर आ जाएगा 2×4 3×9 × 32, कट कुछ रहा नहीं है, बराबर 4×8 4×3 12 128/9। ये हमारी शुद्ध करणी के रूप में लिख दिया। इसी प्रकार से हम सेकेंड नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। 3×4 5, यानी कि इसमें जोड़े जो बने हैं वो 3 के 4 4 के जोड़े बनाए गए हैं, तो जब हम 3 को करणी के अंदर ले जाएंगे तो 3×4 × 5, यानी कि 3 × 4 करना है 3×9 9×27 27 किया 81, 81×5 बराबर करणी के अंदर आ जाएगा। करणी हमारी कितनी चल रही है 4, करणी लिखते जाएंगे 5×5 65 40, यानी कि करणी के अंदर आ रही संख्या, करणी हमारी 4 है और संख्या होगी 405। इसी प्रकार से थर्ड नंबर 3/4 करणी 8, तो जब करणी के अंदर ले जाएंगे तो 3/4 की घात 2 × 8 बराबर हो जाएगा 3×9 4×16 × 8, 8×8 8×16 बराबर करणी के अंदर संख्या आ जाएगी 9/2। फिर इसके बाद चौथा नंबर MQ करणी 6 MQ, जब हम MQ को अंदर ले जाएंगे तो करणी हमारी हो जाएगी 6 और MQ की पावर हो जाएगी 6,
और एम क्यूब, तो कर्णी क्षेत्र का 18 एम की घात 18 एम क्यूब, ये हमारी शुद्ध कर्णी के रूप में। इसी प्रकार से हमें तीसरा सवाल भी सॉल्व करना है जो शुद्ध कर्णी के रूप में लिखना है। फर्स्ट नंबर यहाँ पर भी शुद्ध कर्णी को दिखाना है, एक्स अंडर रूट एक्स माइनस वाई, जब इसको अंदर ले जाएंगे ये हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई, या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसका मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं, जैसा लिखा है वैसे लिख सकते हैं। इसका सेकेंड नंबर, पाँच कर्णी 1.62, जब कर्णी के अंदर ले जाएंगे तो 5 की घात 2 इंटू 1.62 बराबर आ जाएगा 25 इंटू 1.62, 25 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 25 × 50 25 × 6 = 150, 150 × 5 = 155, 15 और 25 × 25 = 35, 15 = 40, यानी 40.5 यही हमारी शुद्ध कर्णी के रूप में। फिर इसका सवाल नंबर तीसरा, एक्स प्लस वाई कर्णी एक्स माइनस वाई, यहाँ पर जब इसको अंदर ले जाएंगे कर्णी के तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, इसी तरीके से भी लिखा रह सकते हैं या फिर अलग अलग कर सकते हैं कि एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इनका सबको मल्टीप्लाई कराते हैं या फिर इतने का केवल मल्टीप्लाई कराते हैं तो बराबर आ जाएगा एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और इम्पैक्ट का अगर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या फिर इसका भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं, लेकिन अगर चाहे तो ऐसे लिखा रह सकते हैं। इसके बाद चौथा नंबर, पी कर्णी है 4 क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्णी 4 के अंदर लिखना है पी की पावर 4 इंटू क्यू, ये आ जाएगा कर्णी 4 पी की पावर 4 इंटू क्यू, तो ये हमारी शुद्ध कर्णी के रूप में 1 से लेकर 3 तक के सवाल हो गए। यहाँ पर सबसे पहले हमें मिस कर्णी के रूप में लिखना है इनको सरल करके, या इनको हमें सरल करना है, तो सबसे पहले हमारा दिया गया है कर्णी 3 768। अब इसमें सबसे पहला काम है कि हमें 768 की गुणनखंड करना है अलग से, 768 की गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 2 × 6 बचेगा 1 × 2 = 16 2 × 4 = 8 फिर 2 से 2 = 2 2 × 9 = 18 2 × 4 फिर 2 से 2 × 18 2 × 6 = 12 फिर 2 से यानी कि 2 × 4 = 8 2 × 16 फिर 2 से 24 फिर 2 से 12 फिर 2 से 6 फिर 2 से 3 और फिर 3 से 1, यानी कि हमें 768 के अभाज्य गुणनखंड किए जिसमें 2 से कटने वाली संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 बार संख्या 2 से कटी है, जिसमें से हम लिख सकते हैं कर्णी 3 2 की घात 8 × 3, यानी कि ये कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे 3-3 के जोड़े बनाना है, तो 3-3 का एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, यानी कि 2 जोड़े बन रहे हैं, और यहाँ पर 2 है कितने बार, 8 बार, जिसमें से 6 बार तो जोड़े में चला गया, तो ये हो गया 2 का जोड़ा ये बना, 2 का जोड़ा ये बना, तो 2 × 4 = 4 ये हो गया। अब कर्णी 3, अब बचा हमारा ये 2 × 4 यानी कि 2 की घात 2 × 3 ये बचा, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 3 2 × 4 = 4 × 12। इस प्रकार से हमने इस कर्णी को मिश्र कर्णी के रूप में लिख लिया, या मिश्र कर्णी भी होती तो भी हमें जितना बाहर निकाल सकते हैं उतना बाहर निकाल करके इसे मिश्र कर्णी के रूप में लिखना है। इसी प्रकार से हम सेकेंड नंबर की पहले अभाज्य गुणनखंड करके निकालेंगे, सेकेंड नंबर है अंडर रूट 175/63। अब सबसे पहले हमें 175 की गुणनखंड करके देखना है, तो यहाँ पर काटेंगे 12 × 13 5 से कटेगी 5 × 15 और 5 × 25 फिर 5 से काटेंगे 5 × 35 और 7 × 7 यानी कि 175 के फैक्टर हुए 5 की घात 2 × 7। अब हमें करना है 63 के, तो 63 के फैक्टर होंगे 3 से काटेंगे 3 × 6 3 × 3 फिर 3 × 63 = 21 फिर 7 से काटेंगे 1, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 की घात 2 × 7। अगर चाहे तो 7 और 7 कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर कर्णी हमारी 2 है, तो यानी कि हमें कितने कितने जोड़े बनाने, 2 के, तो
पांच का भी एक जोड़ा बन रहा है और एक तीन का भी जोड़ा बन रहा है, तो ये हो जाएगा 5/3। इसी प्रकार से थर्ड नंबर जो कि करनी दे रखी है 3, करनी 3 है 256, 256 के आपको फैक्टर करना है, 256 के फैक्टर करेंगे, 2 × 2 = 4 × 16, फिर 2 से काटेंगे 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, 2 से 4, फिर 2 से 2 और 2 से 1, यानी कि 256 के जो फैक्टर हो गए हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 2 की घात 8। लेकिन हमें जोड़े बनाने हैं 3 3 के, तो 3 3 के हमारे कितने जोड़े बन जाएंगे 2, तो इस 3 का जोड़ा बना तो इसका 2 आ गया, इस 3 का जोड़ा बना तो इसका 2 आ गया, तो 2 × 4, तो 4 तो करनी से बाहर हो गया, करनी 3, अभी 2 बार बचा तो 2 की घात 2, जिसे देख सकते हैं 4 करनी 3 और 2 × 4। इसी प्रकार से सवाल नंबर 4 जो कि दे रखा है कि 5 करनी 3 135, इसी प्रकार से 135 के भी फैक्टर किए जा सकते हैं, तो 5 करनी 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 की घात 3 × 5, 3 की घात 3 × 5, यानी कि 3 × 9 = 27 और 27 × 5 = 135, क्योंकि 5 से 35 और 5 × 10 = 13, तो यानी कि हमें 3 3 के जोड़े बनाने हैं, तो सिर्फ 3 का जोड़ा बन रहा है, क्योंकि ये भी 3 बार है और यहाँ पर करने भी 3 है, तो इसका 1 जोड़ा बन करके 12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 3 करनी 3 5, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 करनी 3 5। इस प्रकार से हम इनको मिस करने के रूप में लिख सकते हैं। तो सवाल नंबर 4 की तरह हम इसको भी सॉल्व करना है, जैसे कि पहला नंबर है कि करनी 8, यानी 8 के फैक्टर करना है, तो 8 के फैक्टर हो जाएंगे 2 की घात 3, यानी कि 2 की घात 3, 2 होने वाले 3 बार, और हमें जोड़े बनाने हैं 2 2 के, तो 1 जोड़ा बन जाएगा, बराबर आ जाएगा 2/2। या हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि जैसे कि 8 के फैक्टर करेंगे 2 4 2 से 2 2 से 1, यानी कि 1 जोड़ा 2 का बन रहा है, तो 1 जोड़ा बना तो 1 जोड़ा बाहर आ जाएगा और 1 2 बचेगा, तो ये कर्डी के अंदर चला जाएगा, ये कर्डी के अंदर बना रहेगा। इसी तरीके से हम सेकेंड नंबर को सॉल्व करेंगे, सेकेंड नंबर में करनी 3 72, यहाँ पर हमें सबसे पहले 72 के गुणनखंड करना है, तो 72 के गुणनखंड होंगे 2 से काटेंगे 2 × 6 = 12, 2 से काटेंगे 18, 2 × 9, 3 × 3 = 1, यानी कि यहाँ पर फैक्टर हो रहे हैं 2 की घात 3 × 3 की घात 2, जिसमें से हमें जोड़े बनाने हैं 3 3 के, तो केवल 2 का जोड़ा बन रहा है, तो 2 का जोड़ा आपका करने से बाहर आ जाएगा, तो 2 करनी 3 3 की घात 2, जिसे हम लिख सकते हैं 2 करनी 3 3 × 9। इसी प्रकार से तीसरा नंबर जिसमें से करनी दे रखी है 8, करनी 8 है x^13 / y^21, तो y^21 और हमें जोड़े बनाने 8 8 के, तो यहाँ पर है 13 8, लेकिन इसका जोड़ा 1 8 का बनेगा, तो 1 8 का बन जाएगा, तो 1 x बाहर निकल आएगा और यहाँ पर इसकी करनी हो जाएगी 8, और यहाँ पर 8 का जोड़ा बन रहा है, तो बाकी शेष बचे x − x 13 − 8। इसी प्रकार से y की भी हमें बनानी है, तो 8 8 के जोड़े बना रहे, तो 8 × 16, यानी 2 जोड़े बन जाएंगे, तो 2 जोड़े बनेंगे, तो y × y = y², तो यहाँ पर बचेगा y^21 − 16, क्योंकि 16 बार बाहर जा चुका है, तो x/y² करनी हो जाएगी 8, x^13 में से 8 गए 5 और यहाँ पर y^21 में से 16 गए 5, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इस तरीके से मिस करने के रूप में बना सकते हैं। इसी प्रकार से चौथा नंबर, ये हमारा था तीसरा नंबर, उसके बाद चौथा नंबर जिसकी करनी है 3 और 756, सबसे पहले 756 के गुणनखंड करेंगे, 756 के गुणनखंड 2 से काटा 2 × 6, 2 × 14 = 16, 2 से काटेंगे 2 × 1 = 2, बचा 1 × 16 और इसके बाद बचा 1 × 9 = 18। अभी देखना है 3 से अगर कटता है तो 3 × 18 3 × 9, फिर इसके बाद हम काटेंगे 3 से, तो 3 × 6 3 × 3, फिर 3 से
काटेंगे सात और सात से काटेंगे एक। तो सबसे पहले जो हमारे 756 है उसकी करनी तीन है, लेकिन उसके फैक्टर हुए दो की घात दो इंटू तीन की घात तीन इंटू सात, लेकिन हमें जोड़े तीन तीन बनाने हैं तो केवल तीन का ही तीन तीन का जोड़ा बन रहा है, तो ये तीन आपका भाग हो जाएगा। तो तीन आपका भाग हो गया करनी तीन दो की घात दो इंटू सात, ये आ जाएगा तीन करनी तीन दो चार चार सत्ते अट्ठाईस। इस प्रकार से हमने शुद्ध करनी या मिश्र करनी के रूप में, लेकिन उसको मिश्र करनी के रूप में बनाया। और इस तरीके से जिस तरीके से हमने चौथा और पांचवा सवाल लगाया है, कोशिश करनी है कि छठवें सातवें आठवें की, लेकिन फिर भी अगर नहीं आता तो हम कल फिर आगे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। यहीं तक आपको पांच नंबर तक सवाल बताना है।